नागपुर की आन बान शान कहे जाने वाले बड़ा ताजबाग दरगाह में बाबा ताजुद्दीन जी का 100वां सालाना उर्स का आगाज 21 अगस्त से होने जा रहा है। उर्स के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान द्वारा दी गई है। महाराष्ट्र ये सूफी संतों की भूमि है। महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा ताजुद्दीन जी का वास्तव्य है। बाबा ताजुद्दीन जी ने कई लोगों की बाधाएं दूर की है, कई दुखी चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन जी रहमतुल्लाह अलैह, इनका 100वां सालाना उर्स 21 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक ताजाबाद में जारी रहने वाला है, जिसके तहत 21 अगस्त को सुबह 9 बजे दरगाह के सज्जादानशीन सैयद यूसुफ इकबाल ताजी के सरपरस्ती एवं मदरसा जामिया अरबिया इस्लामिया के संचालक मुफ्ती अब्दुल कदीर खान की अध्यक्षता में श्रीमंत पंचम राजे रघुजी भोसले के हाथों पारंपरिक तरीके से परचम कुशाई की रस्म अदायगी से उर्स की शुरुआत होगी। परचम कुशवाई के बाद ताजाबाद की शाही मस्जिद के इमाम मौलाना खुर्शीद आलम खान के द्वारा कुरान पाक की तिलावत होगी। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ उत्तर प्रदेश से उपस्थित रहेंगे। 26 अगस्त की सुबह 9 बजे छोटा कुल शरीफ की फातिहा होगी और रात 10 बजे ऑल इंडिया नातिया मुशायरा होगा। 28 अगस्त को सुबह 10 बजे बड़ा कुल शरीफ का आयोजन होगा। 30 अगस्त को रात 10 बजे दरगाह परिसर में ऑल इंडिया नातखानी का कार्यक्रम होगा। 1 सितंबर को रात 10 बजे ऑल इंडिया सूफियाना कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे ताजाबाद दरगाह परिसर में सूफी संतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विश्व के कई देशों से आए अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु संवाद करेंगे, जिसके पश्चात इसी रोज रात 10 बजे इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी होगा। वहीं सालाना उर्स का भव्य मेला 30 सितंबर तक ताजाबाद में जारी रहेगा। बहुत बड़ा आयोजन है और इस बार लोगों को लगेगा कि बाबा का 100वां उर्स है करके, इसके लिए हम बहुत बड़े पैमाने पर अरेंजमेंट करें और इसमें सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं श्री नितिन गडकरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने 100वें उर्स को समझा और अपने घर पे इस बारे में मीटिंग लिया और सारे ऑफिसर को कमिश्नर साहब से लेके म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब कलेक्टर एजेंसी कमिश्नर सबको अपने घर बुलाया और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज यानी श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो उसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा। पूरा सिस्टम हमारे साथ है, पूरा प्रशासन हमारे साथ है, पूरा पुलिस हमारे साथ है, तो सब मिल के काम करें और इस बार बहुत अच्छा होगा। इस बार सबसे बड़ा है कि यहाँ पे एक सूफी कॉन्फ्रेंस, सूफी संतों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहाँ देश विदेश के सूफी संत आने वाले हैं और वो 3 तारीख को है। 3 तारीख को हम लोग एक बहुत बड़ी सूफी संतों की कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं, जिसमें देश और विदेश के सारे लोग आने वाले हैं और उनके वजह से यहाँ से हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग आने वाले हैं कि यहाँ से एक ऐसा देश में संदेश जाए कि इस देश में भाईचारा आगे कायम। सुरक्षा के इस बार इंतजाम इतने कड़े और इतने अच्छे हैं कि 750 पुलिस कर्मी यहाँ पे तैनात रहने वाले, मेटल डिटेक्टर रहने वाला, बॉम स्क्वाड का ये भी रहेगा, सीसीटीवी कम से कम 300 कैमरों से हम लोग पूरे उर्स की निगरानी करने वाले हैं। इस बार उनके लिए 600 पुलिस बल एक्स्ट्रा है। हर उर्स में 100 से 125 रहता था, इस बार सीपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने यहाँ पे 750 पुलिस के जवान एक्टिव किए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमण के कारण 2 वर्ष बाद बाबा ताजुद्दीन के सालाना उर्स पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। वही 100वां उर्स होने से श्रद्धालुओं में उत्साह है। इसे देखते हुए ताजाबाद ट्रस्ट ने विशेष तैयारियां की है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन से भी पूर्ण सहयोग ताजाबाद ट्रस्ट को मिल रहा है। बाबा ताजुद्दीन पर आस्था रखने वाले अनुयायी दुनिया भर में है। 100वें सालाना उर्स पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के ताजाबाद पहुँचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने ताजाबाद व आसपास के परिसर में सुचारू यातायात सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने सहित तमाम आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान ताजाबाद ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।